नमस्ते। सर अजय, हाँ जी, क्या काम करते हैं? वैसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका प्रोफेशन क्या है। मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। एक्चुअली खड़े होकर पढ़ाना ही रहता है, ब्लैक जी बोर्ड पे वर्क रहता है, ब्लैक बोर्ड वर्क जी रहता है। और चूंकि बच्चे होते हैं तो काफ़ी दूर तक देखना भी पड़ता है, इसलिए खड़े होकर ही काम हो सकता है, बैठ करके नहीं। आप प्राइवेट टीचर हैं? प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। ओके, हाँ, क्योंकि टीचर में कई बार होता है कि सरकारी नहीं है, सरकारी नहीं, आप प्राइवेट प्राइवेट। टीचर हैं। लगभग कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? लगभग हमको 10-12 साल हो गए दस हैं। बारह साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या परेशानी थी जिसकी वजह से सर जमाना पड़ा? मेरे को सर्वाइकल प्रेग्न हो गया था, लोड मतलब रहता था वर्कलोड ज़्यादा रहता था जिसकी वजह से और आपको सर्वाइकल हुआ। सर्वाइकल हो गया। तो उसके बाद मैं मेडिसिन लेता रहा, कुछ इधर उधर और ये सब चीज़ें। और फिर उसके बाद मुझको किसी ने सजेस्ट किया, केमिस्ट वाले ने, कि आप थोड़ा सा वहाँ जाके देखिए, शायद आपको सेराजम, सिरा जम के लिए। तो सर्वाइकल तो से आप लगभग कितने दिनों से परेशान है? लगभग हमको 2-3 साल हो गए थे उसमें, परेशान हो गए। मतलब मेडिसिन्स भी ले मेडिसिन रहे ले थे। रहे थे, इसलिए वो चूंकि पेन किलर था, थोड़ी देर के ओके, लिए दाब दिया या कुछ दिन के लिए दाब दिया, तो पता वो नहीं होता। पता नहीं चला। या फिर ये हुआ कि हाँ, अच्छा शायद ऐसे सो गए, वैसे सो गए, मालिश कर लिया, ये तमाम चीज़ें ऐसे जो चल रहा था। औपचारिकता हो रही थी वो चल रही थी, उससे थोड़ा सा रिलीफ रहता इसके अलावा और कोई शरीर में आपको तकलीफ थी? था। बहुत सारी थी, जैसे जैसे कि हमको पता नहीं चलती, जैसे बहुत देर तक खड़े रहने के कारण पाँव में दर्द होना जी और नसों में अकड़नपन सा आ जाना, जी और जैसे ये मसूड़े उसूड़े हैं लूज हो रहे थे, दांतों के हिलने का जैसा खतरा सा हो जी रहा था। तो मैं जब सेरा जिम आया अच्छा, तो आपको मैं इसके लिए नहीं आया था कि मेरे को मसूड़े की प्रॉब्लम या मेरे को पैर की प्रॉब्लम है, इसके लिए नहीं आया। मैं एक्चुअल सर्वाइकल के सर्वाइकल के लिए लिए राइट। आया था। लेकिन जब मैं सर्वाइकल का लेने लगा, धीरे धीरे मुझे बहुत सारी चीज़ों में फायदा होने लगा। जैसे यानी पाँव के दर्द में बिल्कुल रिलीफ हो गया। हाँ, हाँ, खड़े होने पे जैसे दर्द बहुत देर तक होता था, और सबसे ज्यादा इसका इवन एक ये फायदा मिला कि जैसे अभी मेरे को कोई काम कहा जाता था कि आप कर लीजिए, या अच्छा ठीक है कर लेंगे, या हमें कोई काम करना भी है, उससे यार अब टाइम ओवर हो गया, अब नहीं करेंगे। लेजिनेस बहुत रहती लेजनेस थी। बहुत आ रही थी, आलसपन सा बहुत रहता था। अब लेकिन वो चीज नहीं है। अब हाँ, अगर रात में 12 बजे भी कोई कहे उठ के कर लो, हाँ लाओ तो कर लेते अपन। मतलब बॉडी बहुत एनर्जेटिक है। हाँ, एनर्जेटिक है हो गई बॉडी में, बहुत फुर्तीलापन आ गया है, काम करने में थकान भी नहीं महसूस होती, और काम का लोड चाहे जितना हो। और इसके अलावा आपने क्या फर्क महसूस किया? और इसके अलावा ये फर्क महसूस किया कि सेहत बहुत अच्छी हो गई, मेरी मेडिसिन सारी बंद हो गई लगभग। वेरी गुड। बहुत जगह से बहुत सारी मेडिसिन मेरी चल रही थी, बिल्कुल सब कुछ बंद हुआ। मुझको इवन पेट की भी प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट टाइम आते आते आने पहले से तो आते अभी थे। आपने ये फील किया कि स्पाइन की थेरेपी से ओवरऑल आपको पैर में हाँ, बेनिफिट क्योंकि हुआ? हाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि सिरा जी माने में मैंने तो साइंस पढ़ा भी था थोड़ा, कि जी स्पाइनल कॉर्ड के रीढ़ की हड्डियों जी पर जी मैं जानकारी थी, बिल्कुल लेकिन ये जानकारी यहाँ आगे मुझे मिली कि उससे ये पार्ट्स को कनेक्ट भी होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और नर्वस उस सिस्टम चीजों में की फायदा इम्पोर्टेंस। होता है, नर्वस सिस्टम के बहुत फायदे हुए। तो ओके, उसके लिए हमको बहुत बहुत फायदा मतलब बहुत हुआ है। बहुत कितने फायदा दिन से हुआ। थेरेपी ले रहे हैं आप? हम लगभग 3-4 महीने हो गए, 4 महीने से आप रेगुलर तीन थेरेपी चार ले हाँ रहे हैं, रेगुलर ले रहे ये भी बहुत हैं। अच्छी बात है कि आप रेगुलर हाँ थेरेपी ले रहे हैं। रेगुलर ले रहे थे। इसके अलावा कुछ आपको आंखों में कोई समस्या दी क्या? पानी हाँ, मेरे को आंख में भी बहुत समस्या थी। एक तो मेरी लेफ्ट साइड की आई से लगातार मतलब आने पानी वाला, पानी आ रहा राइट। था, और ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स डालते रहता था, चूंकि रीडिंग राइटिंग का वर्क था, तो जाहिर बिल्कुल। है आंख पे लेंथ पड़ती। तो विजन में लेकिन आपको कुछ फर्क पड़ा? विजन में हमको ये फर्क पड़ा कि अब हमको जो है जैसे मैं चश्मा लगा दूं, मेरे स्पॉट्स पड़ गए हैं, हाँ, लेकिन अब वो हल्के हो रहे हैं, क्योंकि मैं बिना चश्मा के वर्क करने लगता हूँ, बहुत मतलब बढ़िया, ये भूल जाता हूँ कि मुझे चश्मा भी राइट। लगाना अच्छा, चश्मे कब से यूज कर रहे थे है। चश्मे? चश्मा मुझको यूज करते हुए लगभग हो गया था 5-6-7 साल, बहुत बढ़िया। और पावर लगातार बढ़ रही थी। हाँ, अभी चश्मे की रिक्वायरमेंट नहीं। रीडिंग राइटिंग दोनों में हो गई थी, अच्छा, जो मतलब पानी का डिस्टेंस और जो लेंस, और पानी तो वाटर से, क्योंकि मुझे वो यहाँ आने पे कुछ तो कॉइन कॉइन कहेंगे, क्वाइन सिक्के को नहीं सिक्के कहेंगे, नहीं क्वाइन कहेंगे, तो वो क्वाइन बाउंसर मिले, तो उस क्वाइन को जब मैंने लगाया लगाया तो मुझे। मैंने 2 दिन दो में ही मतलब 1 दिन में ही क्या आराम फायदा हो रहा मिला है। उस क्वाइन से? क्वाइन से ये फायदा मिला कि एक तो मेरी जो आंखों में पानी गिरता था वो बिल्कुल बंद हो गया, हाँ, लगभग बिल्कुल कब से था टोटल। ये? मतलब ये तो करीब 3-4 साल पहले से शुरू हो गया था। रेगुलर ड्रॉप आपको लेनी हार्ड पड़ी रेगुलर ड्रॉप भी लेनी और पड़ती दो थी। दिन आपने उसे यूज किया, ड्रॉप बंद। हाँ ड्रॉप बंद, ड्रॉप तो बिल्कुल टोटल बंद हो गई है बहुत बढ़िया। अब मतलब मेरे सेना को, जिम से आपको अल्टीमेट अगर हम कहें तो पूरी एक अच्छी हेल्थ मेंटेन बिल्कुल हो रही पूरी है। तरह से, बिल्कुल पूरी तरीके से चलिए, है। इतना सब कुछ आपको मिल गया है, आप ठीक भी हो रहे हैं, इस मशीन को आप खरीद भी रहे हैं, इवन जहां तक मैं गेस कर सकता हूं कि एक प्राइवेट टीचर की क्या आमदनी रही होगी, क्या हाँ सेविंग्स रही होंगी, फिर हाँ आप इस मशीन को खरीदना चाह रहे हैं और खरीद भी रहे हैं, हाँ
कोई खास वजह है इस मशीन को खरीदने की? इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पे जब मैं रेगुलर आता रहा और मुझे ये जो जानकारियां मिली उसके बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो रीढ़ की हड्डी की मसाज है, जो थेरेपी लेनी है, वो अगर हम रेगुलर ले तो बेस्ट रहेगा। और परिवार में मैं हूँ, मेरा भाई है, तो मैं भाई को मैंने काफी बार प्रेस किया, फोर्स किया, लेकिन वो आया नहीं। तो मैंने कहा चलो अब मेरे बहाने घर में रहेगा तो देखते हैं, वो तो तब तो वो करेगा ही करेगा, बिल्कुल शेयर करेगा। हाँ, तो नहीं आ पाते किसी कारण में, तो घर तो सारे लोग करते हैं, सब लोगों के साथ शेयर करना। आपसे पूछते हैं इस मशीन के बारे में, क्योंकि आपने काफी चीजें समझी हुई है, स्टडी भी किया हुआ है। बहुत सारे लोगों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, जैसे कहने को तो लोग सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी कहते हैं, क्या असल में लोग रख पाते हैं सेहत को फर्स्ट? नहीं, मेरी समझ में तो आता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहने और करने में बहुत फर्क हो जाता है। कि आपके सामने तो हमने कह दिया कि भाई हम तो टाइम से उठते हैं, टाइम से खाते हैं और पौष्टिक चीजें ही लेते हैं, ये चीजें नहीं खाते, वो चीजें, तो वैसा कर नहीं पाते। क्योंकि आज भी मेरा मानना है, आपका भी हो सकता है इसमें सहमति हो, कि लोग सेहत को समझ होना तो चाहते हैं सेहत, हाँ, बीमार कोई नहीं होना चाहता, बट वो एफर्ट्स और ट्राई नहीं करना चाहते कुछ भी ऐसा। हाँ, ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी भी आप देखो, अगर इस मशीन की बात करें तो एक और मैं आपसे सिर्फ सजेशन मांगूंगा, क्या आप ऐसा समझते हैं कि ये मशीन लगभग घरों में होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो पूरी तरह से सहमत। कोई खास वजह? खास वजह ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेहत के लिए अगर आप कुछ है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं, चाहे वो हेल्थ अगर स्वस्थ हो गई तो वेल्थ और अदर चीजें जो भी हैं वो आप आराम से पा जाएंगे। हेल्दी रह करके ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। संपत्ति नहीं क्रिएट कर सकते, कोई भी एसेट्स आप नहीं बना सकते उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में जो लोग सुन रहे हैं इनको क्या आप सरजम के बारे में बताना चाहेंगे? हम इनको यही कहेंगे कि आप रेगुलर आइए, और सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिए और बैठ के समझिए कि क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल, उसको समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्योंकि बिना किसी को सुने हुए, बिना किसी से बात किए हुए, बिना किसी को समझे हुए खुद से डिसीजन मत लीजिए किसी चीज का, कि सेल्फ डिसीजन इज बेस्ट। अपने अपने अंदर से एक तालाब के मेढक की तरह मत डिसीजन लीजिए, बिल्कुल एक नदी के खुले सागर की तरह आइए और मिलिए सबसे, सबसे बातचीत कीजिए, स्टाफ से बात कीजिए, कोई दिक्कत है उनसे शेयर कीजिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, क्या इसमें कुछ मदद हो सकती है, तो वो खुद ही बताएंगे। बिल्कुल। और बाकी जो प्रदीप सर है, जैसे आपको मैं कहूंगा कि आपका अगर एक भी लेक्चर वो सुनते रहते हैं तो उनको काफी बेनिफिट मिलेगा, उनको काफी आगे, मतलब उनको मतलब एक फोकस माइंड होगा कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, तमाम चीजें। चलिए, एक चीज और पूछते हैं, जैसे आपके पास बाइक भी नहीं है, बिल्कुल आप साइकिल से अपना बिल्कुल आने जाने का मतलब आपका साधन है, तो आपके अपनी साइकिल है, बाइसिकल है, यस। जिस फंड से आप इस मशीन ले रहे हैं उस फंड से आप बाइक भी तो ले सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैं अभी तो कुछ नया बिजनेस के लिए प्लानिंग भी की थी स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने बिजनेस को फिलहाल ड्रॉप कर दिया। इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि जब मैं स्वस्थ रहूंगा तभी मैं बिजनेस कर पाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं आज बिजनेस के लिए वो खर्च कर देता, फंड यूज कर लेता और बिजनेस बढ़ा भी लेता, तो जब मैं स्वस्थ ही नहीं रहूंगा तो बिजनेस में कहां पे मैं किस जगह पे जा पाऊंगा या क्या ट्रांसपोर्ट कर पाऊंगा या क्या कुछ कर पाऊंगा। पहले जिंदा बिल्कुल सेहतमंद रहूंगा तभी मैं बिजनेस भी कर पाऊंगा, तभी मैं आगे। और इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझको सजेस्ट बहुत अच्छा किया। चलिए, जो भी अगेन थैंक यू सो मच।